राजधानी दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाका चाणक्यपुरी है, जहां पर न जाने कई सालों से संजय कैंप यहां पर बसा हुआ है, जहां पर हजारों परिवार झुग्गियों में रहा करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर पिछले दो महीने से तकरीबन 7000 झुग्गियों के जो बिजली कनेक्शन हैं वो बीएसएस के द्वारा काट दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीएसएस के द्वारा ये कनेक्शन तब काटे गए हैं जब लोग चिलचिलाती गर्मी में रह रहे थे। और उसके बाद यहां पर देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी ने जहां एक तरफ नारा दिया था कि राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और पानी मुफ्त दिया जाएगा, वहीं इसी राजधानी की तस्वीरें आप देखिए, जहां एक तरफ पूरा जो गुजरात चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली सरकार का पूरा मंडल और पूरे दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो सभी लोग बिजी हैं, वहीं आप देखिए कि किस तरीके से चाणक्यपुरी इलाके के बीचों बीच बसा ये संजय कैंप है, जहाँ पर लोग बिजली ना होने की वजह से किस तरीके से बेहाल हैं। आखिरकार आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने अब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और उसी में आपको बता दें कि जो पूर्व विधायक हैं दिल्ली कैंट के, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँचे और इनके कंधे से कंधा मिलाया और उन्होंने कहा जब तक इनके घरों पर बिजली नहीं जुड़ेगी तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि संजय कैंप में पिछले दो महीनों से लगातार बिजली कटौती का दर्द लोग यहाँ के झेल रहे हैं, क्या बच्चे, बुजुर्ग और बूढ़े सभी लोग जो है इस उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। कमरों के अंदर देखिए किस तरीके से अंधेरा है और यहाँ पर देखिए टॉर्च जला कर किस तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली है वो काटी गई है बीएसएस के द्वारा और अब देखना होगा कि उनकी बिजली कब तक जुड़ेगी। लेकिन एक बार ये तो ज़रूर साफ हो जाता है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी की सरकार की शुरुआत करी थी तब उन्होंने दिल्ली की नीच झुग्गी बस्तियों के लोगों का सहारा लिया था और बिजली के खंभों पर चढ़कर बिजली जोड़ी थी, लेकिन अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन से क्या इनकी बिजली जुड़ पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का क्या विधायक, क्या खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया हो, इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है और इसी वजह से लोगों का जो गुस्सा है वो फूटा है। आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, बापू गांधी की। और बापू गांधी ने एक बात है, उसका भला कोई नहीं कर सकता है, ये भी याद रख लेना, टुकड़ों में नहीं बटना एक हो जाओ। और सब एक बार मैं सारे साथियों की, मेरे पिता समान सारे बुजुर्ग नौजवान, संजय कैंप के अंदर दो महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, लाइट काट दी गई है, एनडीएमसी का अक्षेत्र है, कह रहे हैं कि आप लोग मीटर लगवाओ झुग्गी के अंदर, 10,000 रुपए जमा करवाओ और दिल्ली में बिजली फ्री है। आज दो महीने से इस गर्मी के टाइम में किस तरीके से बच्चे जीवन व्यतीत करें, कई सारे बच्चों को जो है ना हैजा होकर डेथ हो गई है, छोटे बच्चों की, ना बच्चे पढ़ाई कर पा रहे, ना बिजली की वजह से यहाँ पानी आ पा रहा, और यहाँ लोगों की जो बुरा हाल हो रखा है कोई सुनने वाला नहीं है। लोग बीजेपी, कांग्रेस, सब आम आदमी सब के नेताओं के दरवाजे पर जाके गिड़गिड़ा के आ गए हैं, गरीब लोग, इनकी किसी ने आवाज़, किसी ने बात नहीं सुनी, तब जाके आज हमने, आज बापू गांधी का जयंती है, बापू गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने सरकार को जो ना चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर हमारी यहाँ लाइट लगाने का काम करें, नहीं तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोगों को जो ना सड़क के ऊपर आके अपनी आवाज़ को जो ना बुलंद करना पड़ेगा। उसके लिए गूंगी बहरी सरकारों के कान खोलने के लिए आज जो ना हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही हमारे यहाँ 22-20 साल से जो ना विवेकानंद कैंप झुग्गी और ब्रार्थ खेर की झुग्गी में भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है,
कोई भी मूलभूत सुविधा यहाँ नहीं है, सफाई वाला यहाँ कर्मचारी नहीं है, तो किस तरीके से लोग अपना जीवन, ये कम से कम 60,000 लोगों का जीवन जो ना, ये लोग अपनी समस्या को लेके आगे गए थे कि हमारे यहाँ बिजली के तार, ये लोग माननीय सांसद के पास भी गए, यहाँ के मीनाक्षी लेखी जी के पास भी गए, यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके भी दरवाजे के ऊपर गए और मुख्यमंत्री के दरवाजे के ऊपर भी गए, जहाँ से इनको दुदकारा गया और कहा गया कहाँ है संजय कैंप, कहाँ है किरवी प्लेस, कहाँ है बरार्स के, ये तो दिल्ली में भी है क्या ऐसी बातें, वहाँ मुख्यमंत्री के वहाँ से इनको बोल के दुदकारा गया इन गरीब लोगों को। आज जो लड़ाई है वो एक बिल्कुल जो है ना जीवन एक मुख्य वो है आज बिजली के बगैर। कहा जाता है कि झुग्गी वालों ने केजरीवाल को जम के वोट दिया जिसके कारण वो सरकार में आए। केजरीवाल सरकार बनने से पहले बिजली के खंभे पे चढ़ के तार जोड़ा करते थे, लेकिन आज गद्दी पे है तो कैसे भूल गए। बिल्कुल वो वही बात अन्ना हजारे ने बोली, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, वो जो सारे वादे इरादे जो किए वो माननीय मुख्यमंत्री जी भूल चुके हैं, वो सत्ता के नशे में चूर हैं और उनको कोई झुग्गी कोई गरीब आदमी नहीं दिखा रहा, और पहले जो दिखाई नहीं दे रहा पहले वो गरीब आदमी का वोट लेके बने हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस संजय कैंप और विवेकानंद कैंप और किरवी प्लेस और जो है ना मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग अगर सुरेंद्र सिंह को नहीं जिताते, अगर 28 सीट नहीं आती दिल्ली में, तो आप ये दिन नहीं देखते, शायद आप सत्ता से कहीं दूर होते। हमारे यहाँ दो पहले नाम बताए, मेरा नाम लगता है, मैं इसी संजय कैंप से हूँ, संजय कैंप का निवासी हूँ। लगभग कितने घरों में लाइट नहीं है यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 7,000 घरों में लाइट नहीं है। यहाँ पे जो 7,000 घर हैं यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली कुछ भी, पानी भी नहीं है यहाँ पे, पानी के लिए परेशान है, लाइट कटी है ये 2 महीने से ऊपर हो गया जी। किस लिए लाइट काटा गया? लाइट ये कह रहे हैं कि पहले मीटर मतलब वो लगाओ, मीटर लगाओ, हम मीटर भी लगाने के लिए कहते हैं, कह रहे कि हमारे मीटर भी लगा, मगर जब तक मीटर नहीं लग रहे तो आप अपनी जो है ना यहाँ पे लाइट हमें देते रहो, हम मीटर भी लगवाते रहेंगे। यहाँ पे पहले अपनी केबल डालो, अपने पोल खड़े करो यहाँ पे, तब हम मीटर लगवाएंगे। अब फिर भी अगर मीटर भी लगाते, कह रहे 10-12 हज़ार रुपये की तार आएगी, वो खुद खरीद के लेके आओ। आपके इलाके में लाइट कटी है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए हम अपने विधायक को और अपने यहाँ के जो मौजूदा मीनाक्षी लेखी सांसद है उसके लिए और मुख्यमंत्री के लिए, जो कि वो कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, आज वो पहली तारीख से 200 यूनिट भी बंद कर दी उन्होंने, वो बंद कर रखी है। क्षेत्र में आपके पुराने विधायक आए हैं, कितना भरोसा है इन पर? क्या ये हमें इन विधायक हमारे जो सुरेंद्र सिंह विधायक है ये कमांडो जी, इनसे ये शुरू से 5 साल विधायक बन के रह के गए और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा और हम इनके साथ हैं और इन पर बहुत ही भरोसा करते हैं, जो कि कुछ लोग आते लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया आप लोगों ने, अगर जो नई बिजली आई तो क्या करेंगे? हम प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री हम केजरीवाल के पास भी चले गए, कादियान के जो विधायक है मोदी उसके पास गए, मीनाक्षी लेखी सांसद के यहाँ पे गए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद आखिरी हमारे पे चांस है, हम प्रधानमंत्री जी का घेराव करेंगे कोठी का। 114 में रहता हूँ, जगदीश सिंह, और काफ़ी समय से रह रहा हूँ यहाँ पर। आप इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं जी, अभी जिस समस्या से अभी जूझ रहे हैं, जिस तरह की समस्या पहले आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है, तीसरा महीना लग गया है और अचानक ही बिजली काट गई है, क्या बताया उन्होंने कहा कि फॉल्ट हो गया, उसको ठीक करेंगे। फिर उनके पीछे पड़े हम, तो उन्होंने बहाना क्या करा कि एसी लग रही हैं, एसी को बंद करो और बिजली चालू कर देंगे। खुद हमारे बच्चे के घर में एसी, हमने अपने बच्चे के घर का, कितने घरों में बिजली अभी नहीं जा रही, कितनी आबादी यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार झुग्गियाँ, कम से कम 7,000। कितने लोग रहते हैं? 7,000 लोग रहते हैं बस, 7-8 हज़ार लोग वाग रहते हैं। अच्छा, ये सब चलते चलते 14 अगस्त को कादियान जी आए, 2 घंटे के लिए बिजली लाए, तो मेरी भी उनसे बात हुई, मैं जनाब ये बिजली कब तक के लिए? कि हमेशा के लिए। 2 घंटे के बाद बिजली चली गई, मैं 16 तारीख को स्वयं मिला उनसे, 16 तारीख को स्वयं मिला, क्योंकि हमने सुना कि पब्लिक जाती है तो पुलिस को बुला लेते हैं उन पर लट गिरवाने के लिए, तो हमने गई, हम गई, मैंने लट मारेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि हमारा भी दिल्ली कैंट में बोझ है,
वो MLA आज है कल ही रहेगा, उस पर लट हम गिरवाएंगे फिर, क्योंकि हमारी कास्ट इतनी है कि उसको चाने की खा जाएगी। एक मिनट सुन जाइए मत, फिर हमने कही सर बोलो क्या किए कि ये आप जाइए और मैं इसी चक्कर में हूँ। उसने 3 लेटर बनवाए कि मैं चेयरमैन के यहाँ दे रहा हूँ, चेयरमैन के यहाँ दे रहा हूँ, आपके यहाँ जल्दी से जल्दी लेट आ जाएगी। मैंने अच्छा चलती रही कहानी चलती रही, फिर हमने उसको फ़ोन किया, फ़ोन नंबर हमारे पास है, आज मैं सुबह से 3-4 बार फ़ोन कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हमने कहा अभी कैसा होगा, कहा पैसे जमा कराइए। मैंने ये बताइए इस कैंप में कम से कम 20% तो 60 साल से ऊपर के, जैसे ये लेडीज़ है हमें और भी है, वो नौकरी नहीं करी, मैं नौकरी नहीं करा, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे। और दाढ़ी मजदूरी करने वाला जो 250-300-400 जो दाढ़ी करता है वो पेट भरेगा या आपको बिजली का बिल देगा, और वो 7,000-9,700 रुपया है, 9,970, 10,000 समझो, 10,000 कहाँ से लाएगा। मैंने साहब जब BJP की सुषमा स्वराज ने शौचालय बनवाया था उस समय भी हमारे कहने से ही बना था, तो हमने लेडीज विकलांग एजेंट इनको फ्री करवा के सिर्फ जो जैसे शर्त अवस्था में उस पर 1 रुपया लागू करवाया था। तो वही हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बिजली आए। और पूरी संजय कैंप, मैं बोल रही हूँ निशा, हाँ। मेरा नाम है निशा, मैं रेलवे की तरफ रहती हूँ, रेलवे की तरफ रहती हूँ। मेरी तरफ 2 महीने हो गए लाइट कटे, तीसरा महीना लग गया ना बच्चे को कोई सा, 2 महीने तो 2 साल तो कोरोना खा गया, ठीक है 2 साल कोरोना खा गया, बच्चे की कोई पढ़ाई कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ का कादियान है कुछ भी देखने नहीं आया, लाइट भी 2 महीने हो गए। आप कह रहे हैं 9,020 रुपये पैसे दे दो मीटर के, 9,970 रुपये यानी कि 10,000 रुपये ले लो, उसके बाद हमारे यहाँ 600 मीटर तार लगेंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा, उसको हम अपने जेब से भरेंगे। 22,000 रुपये हमारी सैलरी नहीं है, 13 गर्मी है, इतनी गर्मी में आप लोगों ने कैसे, इतनी गर्मी कोई एक महीने एक घंटे नहीं रह सकता, हम लोग तीसरा महीना लग गए रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं बताओ। आप लोग चल के खुद आके देखो हमारे लोग के घर में कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने बूढ़े। गुजरात में जाके बोल रहे हैं कि दिल्ली में हम फ्री, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, बोल रहे और कल शाम को ना कहाँ पे आया था वो रामलीला में मोतीबाग में, ठीक है, बैगम जैदी मार्केट में आए थे, कादियान गुरमीत आए थे वहाँ पे क्या 2100 रुपए दे इनाम, कह रहे थे मैं तो जनता का सेवा कारक हूँ। एक बंदा बोला, गिरधारी ने बोला, उसने बोला कि यहाँ क्या कहते हैं, सर मुझे थोड़ा माइक दीजिए मैं बात करूंगा उनसे, क्या बात है मेरे यहाँ संजय कैंप में, चल कोई बात नहीं बाद में ये बात करने की क्या तरीका है, जनता परेशान यहाँ पर है।